हेलो फ्रेंड, यदि आप लोगों को स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं मिला है तो जल्दी से ये फॉर्म फिलअप कर दो। जल्दी से ये फॉर्म फिलअप करके अपना केवाईसी स्टेटस चेक कर लो। यदि आपका केवाईसी स्टेटस एक्टिव है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मोबाइल फोन या टैबलेट मिलेगा। यदि वो एक्टिव नहीं है तो उसको कैसे एक्टिव किया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और जो स्टूडेंट को स्मार्टफोन या टैबलेट मिल गया है वो भी अपना स्टेटस चेक कर ले, उसका भी स्टेटस एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यदि स्टेटस एक्टिव नहीं है तो गवर्नमेंट से मिलने वाली फैसिलिटीज आपको नहीं मिल पाएंगी भविष्य में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप केवाईसी कैसे चेक करेंगे, उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे, और यदि स्टेटस एक्टिव नहीं आ रहा है तो आप स्टेटस को एक्टिव कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं लेके चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर। यहां पर मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे हैं एक बटन बनी है जिसमें लिखा ई केवाईसी थ्रू मेरी पहचान पोर्टल। इस वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले इसमें यूनिवर्सिटी चॉइस कर लेंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो। उसके बाद में यहाँ पर आप कॉलेज चॉइस कर लीजिएगा, जिस कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद यहाँ इनरोलमेंट नंबर डाल देंगे। इनरोलमेंट नंबर डालने के बाद ये कैप्चा यहाँ पर फिल कर देंगे, अच्छे से कैप्चा को फिल करेंगे, गलत नहीं करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर सर्च वाली बटन आपको दिखाई दे रही है, इस सर्च वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे इसमें लिखा हुआ है योर डाटा वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। यदि अंडर प्रोसेस आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कुछ और आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है आप देख लीजिए, मैं किसी और का सर्च करके दिखाता हूँ। तो सेम वैसे ही आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे जैसे मैंने पिछली बार फिलअप करना बताया था, कि यहाँ से कोई यूनिवर्सिटी ले लेंगे और उसके बाद कॉलेज ले लेंगे। तो जब तक मैं फॉर्म को फिलअप करता हूँ, आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भाई बहुत मुश्किल से वीडियो ढूंढ के लाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर इसके बाद आप कैप्चा डाल दीजिए, यहाँ पर जो भी कैप्चा लिखा हुआ है मैंने जैसा बताया कि कैप्चा सही से डालेंगे। इसके बाद सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई थ्रू द लॉग इन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान। यदि ये लिख करके आ रहा है तो आपको इस बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, आप ध्यान से समझिएगा। यदि ये लिखा है तो इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा है न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान। तो इस वाली बटन पर आपको क्लिक करना है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट की मैं लास्ट तक हेल्प करता हूं जब तक उनकी स्कॉलरशिप उनके खाते में नहीं आ जाती। यदि आप हमसे कमेंट करके पूछेंगे या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं। तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करेंगे उसके बाद उसमें ओटीपी जाएगा। तो जब ओटीपी जाएगा तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना और वेरीफाई ओटीपी वाली बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद गिवेन नेम वाले बॉक्स में नाम डाल देंगे, जेंडर च्वाइस कर लेंगे। मैं जल्दी से फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ जिससे कि ज्यादा वीडियो बड़ा ना होने पाए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल देंगे, और यदि फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई परेशानी हो रही तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा, या आप मेरी इस इंस्टा आईडी को फॉलो करके मैसेज करेंगे तो मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा। इसके बाद यूजर आईडी अच्छे से बनाकर यहाँ पर कैप्चा वाले बॉक्स में कैप्चा डाल देंगे। उसके बाद साइन अप करेंगे, फिर एक्सेप्ट वाली बटन आपको दिखाई दे रही है, इस एक्सेप्ट वाली बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद ऊपर आधार नंबर डालना है, आधार नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल वाली बटन आपको दिखाई दे रही है, इस मोबाइल वाली बटन पर टिक लगा देंगे। इसके बाद आई एग्री में टिक लगाकर इस कैप्चा को डालेंगे और वेरीफाई थ्रू ई केवाईसी वाली बटन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, उसके बाद उसको वेरीफाई कर लेंगे, उस ओटीपी को यहाँ पर डालकर। कुछ देर प्रोसेसिंग के बाद यदि सक्सेस लिख करके आ रहा है तो आपका ई केवाईसी सक्सेस हो गया। इसके बाद लॉग आउट करके इसको चेक कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये लाइव कैसे चेक किया जाएगा। इसके बाद इसको वैसे ही फॉर्म को फिलअप कर देंगे जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। बहुत मुश्किल से मैं स्टूडेंट्स के लिए डिटेल्स ढूंढ के लाता हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद सर्च करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर वेरीफाइड लिख के आ गया, ई केवाईसी वेरीफाइड हो गई। यदि आपकी डिटेल मैच ना करती तो यहां पर कुछ ऐसा मैसेज लिख करके आ जाता कि मतलब आपके आधार की डिटेल और आपने जो कॉलेज में डिटेल दी है वो दोनों मैच नहीं कर रही है।
ऐसी कंडीशन में आपकी ईकेवाईसी फेल हो जाएगी, तो आपकी डिटेल जो आपने कॉलेज में दी थी और जो आपके आधार की डिटेल, दोनों सेम होनी चाहिए, तभी आपका ईकेवाईसी वेरीफाइड होगा। तो आपने देखा कितने अच्छे से हम लोगों ने ईकेवाईसी को वेरीफाइड कर लिया। तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, स्टूडेंट की हेल्प करता रहता हूँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।